हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज सीएमएस ईडी कोर्स के बारे में। क्या सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद क्लिनिक चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? सीएमएस ईडी वालों के क्लिनिक पर छापेमारी होगी या नहीं होगी? तो पूरी डिटेल से बात करते हैं और इसी के बारे में पूरी एक एक चीज जानेंगे। आखिर सीएमएस ईडी करने के बाद आप क्लिनिक चला सकते हो या नहीं चला सकते। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो के अंत तक देखना, हर चीज समझ में आ जाएगी। छोटी से छोटी चीज समझाऊंगा आपको कि सीएमएस ईडी करने के बाद आप क्लिनिक चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई रिक्वेस्टेड यू, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी का टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता। आपको भी पता, 3 से 3.5 या 4 मिनट की, इससे ज्यादा मैं वीडियो ज्यादा नहीं बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सीएमएस ईडी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद क्लिनिक चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि सीएमएस ईडी करने के बाद आप क्लिनिक नहीं चला सकते, क्योंकि जिन लोगों ने सीएमएस ईडी किया है, हमारे पास भी कई लोगों के पास सीएमएस ईडी है, कई लोगों ने सीएमएस ईडी किया है हमारे पास में, तो उन लोगों के फ्रेंड्स क्लिनिक पर छापेमारी हुई है और उनके क्लिनिक सील कर दिए गए हैं और उनको एक नोटिस दिया गया, लीगल नोटिस। जिनके सील नहीं किए उनको लीगल नोटिस दिया गया कि आकर सीएमओ ऑफिस मिलिएगा, क्योंकि सीएमओ सर ने मेरे सामने कई क्लिनिक सील किए हैं जिन लोगों पर सीएमएस ईडी का डिप्लोमा था। तो फ्रेंड्स, आखिर सीएमएस ईडी करने के बाद भी क्लिनिक सील क्यों हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि फ्रेंड्स, सीएमएस ईडी कोर्ट के द्वारा मान्य है, बट जो राज्य सरकार है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो इस चीज को नहीं मानती है कि सीएमएस ईडी करने के बाद आप क्लिनिक के दायरे में आते हो और फिर क्लिनिक चला सकते हो। ये फ्रेंड्स राज्य सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल नहीं मान रहा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई भी नहीं मान रही है सीएमएस ईडी को, क्योंकि फ्रेंड्स सीएमएस ईडी करने के बाद आप क्लिनिक चला ही नहीं सकते। आप केवल सीएमएस ईडी का मतलब फर्स्ट एड बॉक्स की तरह, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें कुछ दवाइयां होती है, उन दवाइयों से इलाज थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट सीएमओ की नजर में वो भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने क्या किया, सीएमओ वगैरह आपके जितने भी सीएमएस ईडी वाले थे हमारी तरफ के, सभी का क्लिनिक था वो पूरी तरह से सील कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सभी का यही क्वेश्चन था, सीएमएस ईडी कराने के करने के बाद आप क्या क्लिनिक चला सकते हैं? तो मेरा कहना यही है कि फ्रेंड्स, आप सीएमएस ईडी करने के बाद क्लिनिक नहीं चला सकते, क्योंकि सीएमएस ईडी करने वालों के भी क्लिनिक सील हुए। तो ऐसी कंडीशन में सीएमओ मानते ही नहीं है कि सीएमएस ईडी के बाद आप क्लिनिक चला सकते हो, और राज्य सरकार नहीं, कोई नहीं मानता इस बात को, केवल कोर्ट मानता है, बट राज्य सरकार नहीं मान रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई भी नहीं मान रही कि सीएमएस ईडी करने के बाद आप कोर्ट मतलब क्लिनिक चला सकते हो। सीएमएस ईडी नहीं करने के बाद कोई भी क्लिनिक नहीं चला सकते फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है, क्योंकि मेरी आंखों का देखा हुआ है, कितने भी सीएमएस ईडी वाले थे उनके सभी के जो तो क्लिनिक थे वो पूरी तरह से कर दिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिव्यू था, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत दिनों से ये कमेंट आ रहा था कि सीएमएस ईडी के बाद सर चला सकते हैं नहीं चला सकते, तो मेरा कहना यही, सीएमएस ईडी के बाद आप क्लिनिक बिल्कुल भी नहीं चला सकते, और सीएमएस ईडी करें भी ना तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप जब क्लिनिक ही नहीं चला पाएंगे तो उसको करने का क्या फायदा है, ये बताइए। लेकिन जो दलाल हैं सीएमएस ईडी कराते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड, छोटा सा रिव्यू तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी के साथ, तब तक लिखते हैं वंदे मातरम।